एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय संस्कृत का गृह कार्य, जो कि दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य के अंतर्गत हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। अध्याय का नाम है कंट कैन कंट कम, जो कि आपका पंचम अध्याय है। तो यहाँ हम देखेंगे भाग 1 और 2 के क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 है, कंट के नैव कंटकम इति कथा कस्या शैल्याम रचिता। जो कंट के नैव है, कंटकम है, ये कथा कौन सी शैली में रचित है? तो यहाँ लिखेंगे पंचतंत्र शैल्याम, पंचतंत्र शैली में रचित है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तुत कथा केन संकलिता, यहाँ इस कथा में क्या संकलित किया गया है? तो यहाँ लिखेंगे अस्या कथायाम वर्णितमस्ति यत संकट काले स्वस्य चातुर्येन प्रत्युत्पन्मतित्वेन वा सुरक्षिता भवन्तु शक्नुम वयम इति। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्याघ्र से नाम किम आसी। जो व्याघ्र, यहाँ ये जो व्याघ्र है ये गलत दे रखा है, यहाँ आप करेक्ट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। व्याध्य से होगा, जो व्याध था, जो चंचल नाम का जो व्याध था, जो शिकारी था, उसका नाम क्या था? यहाँ ये पूछा है जो शिकारी था उसका नाम क्या था, तो यहाँ आंसर लिखेंगे चंचल। यहाँ व्याघ्र से नहीं है, व्याध से है, ये धय है ना कि घृह है, ठीक है? तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, देन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंचल, क्योंकि जो उस जो शिकारी था इस पाठ में उसका नाम क्या था? चंचल। फोर्थ क्वेश्चन है, जाले कह बद्ध आसी, जाल में कौन बंद हुआ था? आंसर लिखेंगे व्याघ्र, यहाँ आ जाएगा व्याघ्र, जो बाघ था वो बंद हो गया था उस जाल में जो शिकारी ने फैलाया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट है फिफ्थ में, नैवेद्यत इति पद से संधि विच्छेदम लिखत। नैवेद्यत पद का संधि विच्छेद लिखना है और सह प्लस अचिंत्यत इति विच्छेद्य संधि पद लिखत। जो सह अचिंत्यत है इसका क्या करना है? हमें संधि पद बनाना है। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नी धन अवैद्यत। नैवेद्यत का अर्थ होता है निवेदन किया। किसने निवेदन किया था? बाघ ने निवेदन किया था। यहाँ ये यन संधि है, नी धन अवैद्यत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यन संधि है, ठीक है। सेकंड है सह धन अचिंत्यत, तो इसका हो जाएगा सो अचिंत्यत, जो कि क्या है? उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है, उत्व विसर्ग संधि, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ होता है उसने सोचा। किसने सोचा था? जो व्याध था, जो शिकारी था, चंचल जो था, उसने सोचा था, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ है उसने सोचा, सो अचिंत्यत, ओके। तो ये था कक्षा 8 के विषय संस्कृत का कंप्लीट गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी वर्कशीट्स के वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।